हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहां सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि फल अक्टूबर 2021 के बारे में कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कितना अच्छा और कितना बुरा रहने वाला है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। यानी कि प्रूफ का मतलब ये है कि कुंडली के साथ, ये नहीं कि कुछ बोल दिया पीछे वीडियो के पीछे बैठ करके रिकॉर्ड करके किसी का देख करके कॉपी कर कुछ भी बोल दिया और आप खुश हो जाओ कि हाँ ये यार बहुत बढ़िया, ये बहुत खराब है। आज के वीडियो में आप ये भी सीखोगे कि राशिफल मासिक देखी आखिर कैसे जाती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा मुद्दे की बात करते हैं और समझते हैं। आज जो आप वीडियो देखोगे YouTube पर में आपको कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप का वीडियो, क्योंकि हर जगह आप देख रहे होगे कि लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 4 दिन में आपको 4 करोड़ मिलने वाला है, 2 दिन में आपके साथ फांसी होने वाली है, ये वो बहुत फालतू की बकवास ज्योतिष विद्या को बदनाम करके रख दिया गया है यूट्यूब पर में। तो आइए आज मैं आपको सही और उचित ज्योतिष विद्या से मासिक राशि फल जो उचित है उससे अवगत करवाता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर देखा कैसे जाता है और आपके लिए मेष राशि वालों के लिए रहेगा कैसा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके सामने अभी स्क्रीन पर में आप देख रहे होंगे मेष लग्न की एक कुंडली बनी हुई है, अथवा इसको आप ये भी समझ सकते हो कि ये मेष राशि की एक कुंडली बनी हुई है। हमेशा ज़िंदगी में आपको ये मान करके चलना है कि आपकी जो राशि है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लग्न। तो ये मेष लग्न और मेष राशि दोनों की ये कुंडली है ये। और अब मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, इसका निर्णय हम कैसे करेंगे। सूर्य के गोचर के आधार पर में इसका निर्णय किया जाता है मित्रों, मासिक राशि फल का, कि आपका महीना कैसा रहने वाला है, कितना बढ़िया रिजल्ट और कितना खराब रिजल्ट देने वाला है। तो देखने की बात यह है यहां पर में कि अब एक महीने पर में सूर्य जो है सो अपना राशि परिवर्तन करता है, पूरे 30-31 दिन पर में, कभी 29 दिन, कभी 30 दिन, कभी 31 दिन पर में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है। इसको इसलिए कॉन्स्टेंटली 30 दिन लिया गया है। मित्रों आप देखो अब यहां पर में अभी जो महीना चल रहा है, यानी कि अभी जो सितंबर चल रहा है, यहीं से 16 सितंबर से ही, अब देखो राशिफल में क्या लोग भूल कर देते हैं बताने में और किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं। 16 सितंबर से ही सूर्य आपके लिए मेष राशि के लिए छठे भाव में आकर के बैठ गया, छठा भाव, और वो पूरे 16 अक्टूबर तक छठे भाव में ही बैठा रहेगा। अब कैसे कोई बता सकता है सीधा एक बार में सिर्फ यहीं पर में सूर्य को रख करके पूरा महीना का, ये तो ठगी हो गई, पूर्ण रूप से बेवकूफ़ बनाना लोगों को, और वही चल रहा है आज यूट्यूब पर में, मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से मैं गौर कर रहा हूँ इस बातों को। तो आप ये देख लो उसके बाद 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवम्बर तक पूरे एक महीना जो है सो सूर्य आपके लिए कुंडली में सप्तम भाव में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे सूर्य। क्या परिणाम होगा उसका, कैसे लोग लिख देते हैं कि कमाल होने वाला है, धमाल होने वाला है, मूड खराब हो जाता है देख करके। आइए चर्चा शुरू करते हैं, अपना फालतू के बातों पर में वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। तो मित्रों मेष राशि वालों के लिए जो है सो 16 अक्टूबर तक का समय, यानी कि सूर्य जो है सो छठे भाव में विराजमान रहेंगे, और सूर्य का छठे भाव में होना मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया फल देने वाला है, कमाल का रहने वाला है, इसमें कहीं से कोई परेशानी जो है नहीं आएगी। यानी कि 16 अक्टूबर तक का समय मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जैसे किस किस फील्ड में अच्छा रहेगा, तो छठा भाव जो है मित्रों वो है रोग का। अगर आपको पहले से कोई छोटी मोटी बीमारी होगी तो अक्टूबर के महीने में 16 अक्टूबर तक वो सलट जाएगी, वो ठीक होने की संभावना जो है सो बहुत ज़्यादा है, वो बीमारी आपकी दूर हो सकती है 16 अक्टूबर तक में। जैसे कि ये घर है और किस चीज़ का, तो ये दुश्मन का भी घर है, अगर कोई दुश्मन आपसे टकराने की कोशिश करता है तो उसको पराजय का सामना करना पड़ेगा, उसको विजय जो है कभी नहीं मिलेगी और वो थक हार करके अपने आप जो है सो बैठ जाएगा। ये जो छठा भाव है मित्रों
ये सिर्फ रोग और शत्रु का नहीं है, कर्जा का भी है। अगर आपको ऋण है पहले से कोई छोटा मोटा, तो वो भी इस महीने में 16 अक्टूबर तक के समय में जो है वो ऋण वो कर्ज जो है सो दूर हो सकता है मित्रों। छठा भाव मित्रों और किस चीज़ का है, तो यहाँ पर में क्या है कि आपको पहले से अगर आपका किसी कोई केस मुकदमा चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का कुछ लफड़ा चल रहा है, तो उसमें अगर आप चाहते हो तो इस समय में आपको राहत जो है सो मिल सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा 16 अक्टूबर तक। सूर्य की दृष्टि जो है सो सप्तम दृष्टि सीधा द्वादश भाव पर में पड़ रही है, और द्वादश भाव बारहवां घर जो है मित्रों वो है जेल यात्रा का, वो है खर्चा का, वो है व्यय का, वो है हॉस्पिटल के खर्चा का, वो है भाग दौड़ का, हानि का। लेकिन सूर्य आपको इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बुरा रिजल्ट नहीं देगा। जैसे में क्या, तो यहाँ पर मैं अगर आपका कोई केस चल रहा हो अभी मेष राशि वालों का, तो उसको केस में विजय मिलने की संभावना है, वो केस को जीत सकता है, उसको केस में अपने पक्ष में जो है सो निर्णय आ सकता है। जैसे कि ये है, अगर पहले से कोई बीमारी है, हॉस्पिटल का चक्कर चल रहा है, तो उसमें आपको सावधानी बरतने की कोई भी विशेष जरूरत नहीं है, वो आपका चक्कर अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव में विराजमान है। यहाँ पर में अगर आपका कोई हानि हो रहा है, पहले से आप देख रहे हो पैसे की बर्बादी हो रही है, पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर में जो है सो आपको पैसे प्राप्ति का योग बन जाएगा, खर्चा आपका ज़्यादा नहीं होगा, पैसे की बर्बादी नहीं होगी। छठा भाव जो है मित्रों, अगर कोई पहले से घाव है, चोट लगा हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस समय में 16 अक्टूबर तक अगर प्रयास करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। वो किसी के साथ विवाद करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। पाचन क्रिया अगर आपका ठीक नहीं है, पेट से संबंधित कोई परेशानी है, तो वो भी इस समय में ठीक हो जाएगी, आपका पाचन क्रिया भी अच्छा चलेगा। द्वादश भाव के बारे में अगर विचार करें मित्रों, तो आपको बता दूं कि इस समय में आपको कोई छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है, अपने घर से बाहर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन उससे आपको लाभ होगा, हानि होने की जो है संभावना वो बिल्कुल भी नहीं है। 16 अक्टूबर तक इन सभी पक्षों में आपको फायदा मिलेगा। छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण 16 अक्टूबर तक आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, सभी सुख आनंद की प्राप्ति होगी, शरीर जो है सो स्वस्थ रहेगा, अन्न और वस्त्र की प्राप्ति होगी, दुश्मन पर में विजय प्राप्त करेंगे आप, और साथ में रोग का नाश होगा। ये हाउस ऑफ कंपटीशन भी है ये, तो आपको राज्याधिकारी से भी लाभ मिलेगा, यानी कि स्टेट के जो बड़े अधिकारी होंगे उनसे भी आपको बेनिफिट मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। आपका खुद का प्रताप भी बढ़ेगा, शोक और मोह से आप बाहर निकल करके एक सही जिंदगी जो है जीना शुरू कर देंगे। ये छठे भाव में सूर्य के बैठने का पॉजिटिव रिजल्ट है, यानी कि आपको अच्छा रिजल्ट देगा मेष राशि वाले सूर्य छठे भाव में। कन्या राशि में है 16 अक्टूबर तक, लेकिन उसके बाद 17 अक्टूबर से सूर्य जो है सो आपके कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में, जो कि नीच के हो गए आपके लिए। 16 अक्टूबर तक जो आपने बहुत मजे किए, एट रैंडम से आपका समय अचानक से ख़राब हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपको विभिन्न प्रकार का परेशानी जो है सो उत्पन्न होना शुरू हो गया। जैसे में क्या क्या परेशानी हो सकती है, जैसा कि आप जानते होंगे कि सातवां भाव जो है सो पति और पत्नी का है, दाम्पत्य सुख का है, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है, पति और पत्नी के बीच में वैमनस्यता उत्पन्न हो सकती है, लड़ाई झगड़ा और टेंशन हो सकता है। सातवां भाव दैनिक रोजगार का भी है, तो दैनिक रोजगार के फील्ड में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप अगर पहले 1000 रुपये का रोज अगर दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कमा रहे होंगे, तो इस समय में परेशानी इतनी तेज हो जाएगी कि 500 रुपये ही आपके पास में आएंगे, यानी कि सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी, आपके अंदर में नहीं रहेगी, विपरीत समय रहेगा। अगर बाई चांस किसी पार्टनर के साथ आप काम कर रहे हो, तो पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, टेंशन हो सकता है, पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकता है, और आपका बिजनेस जो है सो लगभग आप मान लो कि, वैसे तो मैं ये राशिफल आपको अक्टूबर का ही बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप मैं थोड़ा सा अगर बताऊँ ज़्यादा, तो ये 17 अक्टूबर नवंबर तक लगभग जो है सो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी रहने वाली है मेष राशि वाले। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सूर्य की दृष्टि जो है
सो आपके प्रथम भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से प्रथम भाव मस्तिष्क का घर है, तो मानसिक परेशानी, मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक अशांति, बहुत ज़्यादा टेंशन जो है सो आपको हो सकता है। आप में कुछ दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं, आपका मन जो है सो दुखी रह सकता है। साथ में ही आपके स्त्री का स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा। अगर आप पुरुष मेष राशि के हैं तो आपके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अगर आप महिला हैं तो आपके पति का स्वास्थ्य जो है सो ठीक नहीं रहेगा। नींद भी सही तरीके से आप 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक नहीं ले पाओगे। धैर्य की कमी हो जाएगी, पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एकदम जल्दी में रहोगे कि जल्दी से मेरा काम हो जाए, जल्दी से मेरा काम हो जाए, उस चक्कर में आपका काम जो है सो गड़बड़ हो जाएगा। विवेक में कमी आ जाएगी, और इधर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी सूर्य की कमाल की, जो आपको रोग का नाश कर रहा था, यहाँ पर मैं आपको रोग देना शुरू कर देगा, वो फिर से बीमारी शुरू हो जाएगी, फिर से छोटी मोटी बीमारी जो है सो लगने लगेगी और आप परेशान हो जाएंगे। अंडकोश से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, योनि लिंग से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि ये सातवां भाव योनि और लिंग का भी है मित्रों। भतीजा पक्ष से, भाई भतीजा पक्ष से जो है सो कुछ परेशानी आ सकती है, आपको कुछ टेंशन, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ हानि होने का भी योग जो है सो बन रहा है, किसी से झगड़ा भी हो सकता है। इस समय में आपका जो वासना है, आपकी जो कामना है, काम इच्छा जो है वो बहुत तेजी से जागृत होगी, और आपका क्योंकि सूर्य नीच का हो गया यहाँ पर में, तो आपको अपने स्त्री अथवा अपने पुरुष के अलावा भी किसी का ध्यान आएगा, और आप जिस कारण से इस समय में जो है सो गलत सोच के शिकार हो सकते हो, क्योंकि वासना आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ये सब जो है सो परेशानी होने की संभावना आपको इस समय में कुछ ज़्यादा है, इसलिए आप थोड़ा सा अगर कंट्रोल करेंगे तो बेहतर रहेगा। और इस सातवें भाव में सूर्य के रहने के कारण जो है सो आपको दाम्पत्य जीवन में तो वैमनस्य रहेगा ही, स्त्री और पुत्र भी बीमार रहेंगे, क्योंकि ये पंचम भाव का मालिक है सूर्य और वो सप्तम भाव में बैठा है, तो संतान से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है, उसको भी हेल्थ वाइज इशू, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, पेट से संबंधित आपको परेशानी आ सकती है, अचानक से आपका लव अफेयर जो है खराब हो सकता है, पत्नी के साथ संबंध खराब हो सकता है, प्रेमिका के साथ संबंध खराब हो सकता है। ये सब सूर्य इस भाव का मालिक है, इसलिए आपको ये सब प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, कष्टकारी यात्राएं करना पड़ सकता है आपको, और सर में भी दर्द हो सकता है, धन और मान दोनों का हानि हो सकता है, और आप कलेश के साथ ये समय गुजारोगे। क्यों? क्योंकि सूर्य आपका नीच का हो गया। एक तरह से मैंने ये राशिफल आपको अक्टूबर की बताई है, लेकिन अगर आप इसको मान करके चलो तो ये राशिफल आपका 17 सितंबर से लेकर के 17 नवंबर तक का, हमने आपको 2 महीने का लगभग बता दिया, एक बार रिकवर करते हैं इसको। 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक, यानी कि सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से ये समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, मेष राशि वाले बढ़िया रहने वाला है, और उसके बाद 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक का पूरा समय आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब रहने वाला है, आप बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करने वाले हो, इसलिए आपके लिए उपाय है कि ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से 17 अक्टूबर से जाप शुरू कर दें, कम से कम 10 माला, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाओगे। और दूसरा कि 17 अक्टूबर से रेड कलर का प्रयोग अपने ज़िंदगी में 17 नवंबर तक के लिए थोड़ा सा कम कर दोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि सूर्य को जल देना अगर शुरू कर दोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर माणिक्य पहन रखे हो मेष राशि वाले, तो आपको माणिक्य के समय में 1 महीने के लिए कम से कम उतार देना चाहिए, नहीं तो आप ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हो। तो यही थी मित्रों वीडियो हमारी, इसमें हमने आपको बताने की कोशिश की मासिक राशिफल, लेकिन लगभग मैंने आपको 2 महीने का बता दिया, लगभग 17 सितंबर से लेकर के 17 नवंबर तक का। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी जो मैंने बताया है वो तरीका है राशिफल बताने का, देखने का, ऐसे नहीं कि अपने मन से बहुत बढ़िया बहुत खराब वगैरह 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 किए जा रहे हैं, फालतू का बकवास किए जा रहे हैं। यूट्यूब पर में तो मैं जब आता हूँ देखता हूँ वीडियो एक बार एस्ट्रोलॉजी का, तो मूड ख़राब हो जाता है, आने की इच्छा ही नहीं होती, वीडियो बनाने की इच्छा ही नहीं होती, लोगों को बताने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि पूरा बकवास से भरा हुआ है YouTube पूरा का पूरा, और सब लोग बहुत ज़्यादा 90% एस्ट्रोलॉजर जो है गलत ही बताए जा रहे हैं, गलत ही बताए जा रहे हैं, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं एकदम।
तो ये सब पे थोड़ा कंट्रोल करो, सही चीज़ों को समझो, परखो और जानने का कोशिश करो, फालतू के चीज़ों में मत पड़ो, नहीं तो सिर्फ खुशी सुन करके और दुख सुन करके बस सुनना ही आपको मिलेगा, फलित जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा उनके द्वारा बताया हुआ। तो अभी जो हमने बताया है वो 100% गारंटी के साथ देता हूँ कि ये सब फलित होगा। और सूर्य की स्थिति अगर आपके कुंडली में भी बुरी होगी तो ये बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम देगा मेष राशि वाले, और सूर्य की कुंडली में अगर स्थिति अच्छी होगी तो बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम नहीं देगा, मिक्स परिणाम देगा, और ये आपका बहुत बढ़िया 17 अक्टूबर तक का समय रहेगा। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।